फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी रेसिपी जो आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी बनाना। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कच्चा आम आइसक्रीम की रेसिपी। ये आइसक्रीम की रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। आपको क्या करना है, पहले आपको कच्चे आम की टॉफी ले लेनी है। उसके बाद आपको टॉफी को निकाल लेना है। अब मैंने यहाँ पर 10 टॉफी छील ली है। आप कच्चा मैंगो बाइट ले रहे हैं तो अच्छा है, या एक और आती है कच्चा आम आती है, आप वो ले रहे हैं वो भी उससे भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। और आपको इस तरीके से एक खाली बर्तन में डाल लेनी है और उसके बाद डालना है गरम पानी। इसी के साथ में डाल देंगे 4 चम्मच चीनी और अब आप इनको अच्छे से मेल्ट होने दें। इसको पहले अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है इसको मेल्ट करने में तो आप टॉफी को पीस भी सकते हैं। अब ये अच्छे से मेल्ट हो चुका है और अब हम इसके अंदर डालेंगे काला नमक 1/4 चम्मच के आसपास डालेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर ज़्यादा आइसक्रीम नहीं बना रही हूँ, बस 2 या 3 आइसक्रीम ही मैं इसकी बनाऊंगी, क्योंकि मेरे घर में ज़्यादा जने नहीं है आइसक्रीम खाने वाले। तो इस तरीके से हम इसको मेल्ट कर लेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे 1/4 चम्मच चाट मसाला। और अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है या नमक भी नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बैचलर बना रहे होते हैं, तो आप क्या करें, जैसे मैंने यहाँ पर 10 टॉफी ली थी तो आप उसकी जगह 10 टॉफी ले लें और उसी में आप एक रसमोला का जो 1 रुपये वाला पाउच आता है ना, उसको आप इसमें मिक्स कर लें, उससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। और अभी मुझे इसका कलर थोड़ा लाइट लग रहा है, पूरा प्रॉपर ग्रीन नहीं लग रहा है, तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 पिंच ग्रीन फूड कलर। इससे जो हमारी आइसक्रीम है वो देखने में थोड़ी अच्छी लगेगी। और ये अच्छे से मिक्स हो गया है। और फ्रेंड्स, आप इस टॉफी की बजाय आप पल्स भी ले सकते हैं। पल्स वाली जो कैंडी होती है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और उसमें अंदर मसाला भी आता है, तो आपको उसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, वो इजीली आपका बन जाएगी और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ये हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर एक आइसक्रीम बनाने वाली ट्रे ली है, ये मैंने अमेजोन से परचेज करी है और ये बहुत ही इजीली आपको मिल जाएगी। कैप लगा देंगे ऊपर से। मेरी यहाँ पर 3 आइसक्रीम बन करके तैयार होंगी और मुझे इससे ज़्यादा चाहिए भी नहीं थी। तो अब हम इसको फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे, ओवरनाइट इसको हम छोड़ देंगे। अब आइसक्रीम हमारी बन करके तैयार हो चुकी है और अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, आइसक्रीम हमारी बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार हुई है। इस रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राई करें और आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो इस रेसिपी को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में ये जो बेल आइकन है इसको दबाना ना भूलें। इससे क्या होगा, मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपके सबसे पहले पहुंचेगा। और मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक